देश दुनिया के इतिहास में 24 मई का दिन कई घटनाओं का गवाह बना। आज के दिन ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया के जन्म समेत कई बड़ी घटनाएं घटी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन घटनाओं की अहमियत से रूबरू करवाएंगे। प्रसिद्ध यूरोपीय खगोल शास्त्री व गणितज्ञ निकोलस कॉपरनिकस का निधन आज ही के दिन 1543 में हुआ था। आज ही के दिन 1653 में जर्मन संसद ने फर्डिनेंड द्वितीय को ऑस्ट्रिया का राजा घोषित किया था। 1660 में आज ही के दिन ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने नीदरलैंड का दौरा किया था। आज ही के दिन 1689 में ब्रिटिश संसद ने प्रोटेस्टेंट ईसाइयों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी दी थी। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की महारानी विक्टोरिया का जन्म आज ही के दिन 1819 में हुआ था। आज ही के दिन 1875 में सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मोहम्मद दीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी, जो वर्तमान में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध है। 1883 में आज ही के दिन ब्रुकलिन और मैनहट्टन को जोड़ने वाले ब्रुकलिन ब्रिज को यातायात के लिए खोला गया था। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक करतार सिंह सराभा का जन्म आज ही के दिन 1896 में हुआ था। प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीत सम्राट, संगीतज्ञ और दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम का जन्म आज ही के दिन 1899 में हुआ था। ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध नेता प्रताप चंद्र मजूमदार का निधन आज ही के दिन 1905 में हुआ था। आज ही के दिन 1915 में थॉमस अल्वा एडिसन ने टेलीस्क्राइब का आविष्कार किया था। 1930 में आज ही के दिन एमी जॉनसन नामक महिला अकेले विमान उड़ाकर लंदन से ऑस्ट्रेलिया पहुंची थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल का जन्म आज ही के दिन 1954 में हुआ था। आज ही के दिन 1956 में बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की 2500वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई थी। भारतीय फिल्मों के निर्देशक, संपादक और पटकथा लेखक सुरेश कुंदर का जन्म आज ही के दिन 1973 में हुआ था। आज ही के दिन 1986 में मार्गरेट थैचर इजराइल का दौरा करने वाली ब्रिटेन की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। भारतीय विधिवेत्ता, राजनीतिज्ञ और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष के एस हेगड़े का निधन आज ही के दिन 1990 में हुआ था। भारत के महान कुश्ती प्रशिक्षक और पहलवान गुरु हनुमान का निधन आज ही के दिन 1999 में हुआ था। हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार और शायर मजरूह सुल्तानपुरी का निधन आज ही के दिन वर्ष 2000 में हुआ था। आज ही के दिन 2001 में नेपाल के 15 वर्षीय शेरपा तेम्बा शेरी माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने थे। 2002 में आज ही के दिन रूस और अमेरिका ने मास्को संधि पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन 2004 में उत्तर कोरिया ने मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाया था। 2013 में आज ही के दिन राफेल कोरिया ने तीसरी बार इक्वाडोर के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। आज के इतिहास में बस इतना ही। कल का इतिहास लेकर पुनः हाजिर होंगे। नमस्कार।